बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं मोहम्मद सईद, ये वीडियो आपके साथ लाला मुसा रेलवे स्टेशन से शेयर कर रहा हूँ। इसमें आज मुझे लाला मुसा स्टेशन पे रेलवे ट्रॉली का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि डाउन तेज़गाम के बाद झेलम से पहुंच रही थी। लाला मुसा तेज़गाम के जाने के बाद व्यूवर्स, रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा था। जब तक ट्रॉली जो है लाला मुसा नहीं आती स्टेशन पे, ये देखें लगे हुए प्लांट्स जो हैं वो कितनी अच्छे इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। पंजाब के जितने भी स्टेशन हैं और पिशावर से भी लेके लाला मुसा तक जितने स्टेशन पे मैंने विज़िट किया, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए हुए होते हैं वहाँ पे। ये देखें किस तरीके से फूल और फलदार पौधे भी लगाए गए होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हम सिंध के स्टेशन के भी व्यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे नुमाया फ़र्क नज़र आएगा आपको। मुझे फ़ोन आ चुका था और ट्राली लाला मुसा रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। व्यूवर्स, मुझे लाला मुसा रेलवे स्टेशन दिन में फर्स्ट टाइम देखने का इत्तेफाक हुआ। इससे पहले 1981 में फ्रॉम सरगोधा टू लाला मुसा मैंने ट्रेवल किया था, मगर वो ट्रेन रात को तकरीबन 1:30 बजे लाला मुसा पहुंची थी। सुबह फजर से मैं उठा हुआ था और थकावट हो चुकी थी, और ये टीम भी रावलपिंडी से आई थी, ये भी थके हुए थे। अब इन सबको 39 अप जाफर एक्सप्रेस से वापस रावलपिंडी जाना था, तो हम सबको तकरीबन 50 मिनट उसका इंतज़ार करना था, जब तक वेटिंग रूम में हम आके बैठ गए। व्यूवर सच पूछें तो मुझे ये वेटिंग रूम देख के बहुत खुश हुई। साफ सुथरे वॉशरूम, फिर यहाँ सबने मिल बैठ के गपशप की, चाय पी और लाला मूसा के पकौड़े। उसकी ट्राली तो सर ये सब मैं व्यूअर, 39 अप जाफर एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, मगर हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ट्रॉली का क्या किया जाए, क्योंकि टीम जो साथ आई थी वो जाफर एक्सप्रेस से रावलपिंडी जा रहे थे, तो ट्रॉली को अब ये नहीं पता कि ब्रेक पावर के साथ थी या बैक साइड पे थी। तो एक दफ़ा किसी के कहने पे ट्रॉली को पहले लोकोमोटिव वाली साइड पे ले गए, और फिर किसी ने कहा कि नहीं जी ब्रेक पीछे है, और फिर ये वापस लेके आ रहे हैं इसको। अभी जबकि ट्रॉली का छाता और सीटें सब ओपन करनी थी जाफर एक्सप्रेस की ब्रेक में लोड करने के लिए। ट्रॉली मैन अपना काम कर रहे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता लोकोमोटिव वाली जगह पे पहुंच रहा था, ताकि सही व्यू लिया जा सके लोकोमोटिव का। ट्रॉली को ओपन करके ये फिर फ्रंट पे ले आए थे, जबकि एक बंदा उन्होंने यहाँ ट्रॉली के पास बिठा दिया। 39 अप जाफर एक्सप्रेस का लाला मुसा में राइट टाइम 12:20 है, और जबकि आज ये 12:55 पर तकरीबन 35 मिनट की ताखिर से लाला मुसा पहुँच रही थी। लोकोमोटिव ZCU-26428 लीड करता हुआ जाफर एक्सप्रेस को लेकर लाला मुसा पहुंचा। व्यूअर्स, टेक्निकल स्टाफ जो है वो ZCU की रूटीन की चेकिंग कर रहे थे, जबकि ये ट्राली यहाँ पे इनको नहीं मिल सकी ब्रेक।
बाकी स्टाफ जो आया था वो रवाना हो रहा था, जबकि एक आदमी को उन्होंने ट्रॉली के पास ही छोड़ दिया कि नेक्स्ट आगे आने वाली ट्रेन में वो लोड करके इसे ले आएंगे। जाफर एक्सप्रेस का सिग्नल जो है वो डाउन हो चुका था, किसी वक्त भी ट्रेन जो है फाइनल विसल के साथ लाला मुसर से रवाना हो सकती। व्यूवर जी, बड़े सायादार दरख्त के नीचे खड़े होकर मुझे जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।